आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी मेरे बड़े भाई, श्री भूपेश बघेल जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री प्रमोद तिवारी जी मंच पर आसीन, सभी नेतागण, मेरे प्यारे कार्यकर्तागण, रायबरेली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका इस ऐतिहासिक सभा में बहुत बहुत स्वागत। पूरा देश देख रहा है, अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बनके लड़ रहे हैं, एकजुट एक सेना बनके लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि दो पार्टियां नहीं, आप एक सेना है, दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। दो हफ्तों से हमने परिश्रम किया है, आप सब गांव गांव गए हैं, ये रायबरेली क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा प्रेम भरा श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहां से आपके प्रत्याशी बने हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी आवाज को सुनने की आपकी आदत है। आज अखिलेश जी और राहुल जी आपके सामने बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए, मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए, महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है, इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। इसका संदेश रायबरेली से पूरे देश में जाना चाहिए। रायबरेली की जागरूक जनता ने 100 साल पहले एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। आप 100 सालों से सबसे जागरूक जनता है, यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख पार है, 5 लाख पार है, जय हिंद। हमारे साथ मंच पर इस मंच पर उपस्थित
कांग्रेस पार्टी के नेता और इस लोकसभा से प्रत्याशी हमारे और इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी जी यहां पर लगातार जनता के बीच में जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार जनता के बीच में रहने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष वीरेन जी, समाजवादी पार्टी से विधायक राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक राहुल लोधी जी, हमारे बछरावा और हमारे दूसरे सभी हमारे पार्टी के विधायक नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार मुझे सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है जो अभी मैदान में नहीं पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है, अपना गमछा सर पर रख करके, और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रैली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है भाजपा यहां से जाए। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं, हर जगह पर देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं, एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं, वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर राह से रायबरेली है तो राह से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं,
वो भी गिनती समझ लें, एक और एक, एक और एक ग्यारह हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग चार चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी चार चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं है, इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर चार काले कानून लागू कर रहे थे, काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं? याद है, हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बल्कि यहां एक एक नौजवान जानता होगा कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। न केवल हमारे नौजवानों की नौकरी छीनी है, बल्कि 10 साल में हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ 1/3 जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस चुनाव में सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? और महंगाई कहां पहुंचा दी है? अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के छेद से, वहां जो जन सैलाब देखा उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे, 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की, और आज कीमत क्या है? 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ना सबस्टेशन लगाए, ना कोई सुविधा दी, लेकिन जब बिजली का बिल आ रहा है तो आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? बीजेपी के लोगों ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया?
इसलिए न केवल हमारे किसानों की बोरी से चोरी की है, बोरी से चोरी हुई, पहले 5 किलो फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। और जो नैनो यूरिया देते हैं, नैनो यूरिया तभी खरीदते हैं या नैनो यूरिया को बिकवाने के लिए नया फार्मूला निकाला है कि जब तक डीएपी नहीं लोगे तब तक, या नैनो यूरिया नहीं लोगे तो डीएपी नहीं मिलेगी। ये सुनने में आ रहा है, जिसने नैनो यूरिया बनाई वो भी भारत छोड़ के चला गया। इधर बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं, ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं। और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है, वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक, एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? और जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। बताओ खाने के बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद तो इन्होंने डकार भी नहीं ली। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है। इसके साथ साथ ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग बीजेपी वालों ने हमें आपको वैक्सीन लगवा करके, बताओ हमारी आपकी जान के पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और अभी ये 400 पार का नारा देने के बाद बताओ संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये 400 पार का नारा भूल गए हैं। और आप देख लेना,
जैसे जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है, सातवें चरण में जनता का गुस्सा सातवें आसमान पे होगा। इन्होंने किसान, नौजवान, व्यापारी और संविधान हर एक वर्ग को धोखा दिया। यही देश के प्रधान सांसद आए थे और कह रहे थे हम छुट्टा जानवर की समस्या का समाधान कर देंगे, हमारे किसानों को खेतों पे तार लगवाने पड़ गए, आए दिन किसी की जान जा रही है, कोई सुरक्षित नहीं बचा है। और अब तो ये जो 400 पार का नारा देने वालों को जनता कह रही है, और देश की 140 करोड़ की जनता कह रही है कि इस बार इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे, क्योंकि इन्होंने आरक्षण भी हमारा छीनने का काम किया है। ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती ये जानते होंगे, शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, या जिन्होंने तमाम नौकरियां की परीक्षा लिखी वो जानते होंगे कि इस सरकार में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। न केवल नौकरी छीनी जा रही है, नौकरी ना दें जिससे हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, वही 69,000 वाले हर जगह पर बैठे रहे, सालों साल आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हम अपने किसान, नौजवान और आम लोग कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग आने वाले समय में 4 जून के बाद जब बदलाव होगा तो आपकी हर समस्या का समाधान हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, ये चुनाव रायबरेली का पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, और विशेष हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे जो यहां पर हैं सभा में और जो हमारे मंच पे भी साथी बैठे हैं कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। और जब देश की बड़ी जीतों की गिनती हो, जब देश के बड़ी जीतों की गिनती हो, तो उस गिनती में भी समाजवादी और रायबरेली को शामिल कर देना। बताओ कितने वोट से जिताने जा रहे हो, उसके लिए घबराओगे तो नहीं आप लोग? सुना है बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भू माफिया है, और बहुत बताओ बहुत धोखेबाज है कि नहीं है? अब मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादियों, आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, बताओ अपने वोट का बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलाओगे? और अगर आपको बूथ पे रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? ये रायबरेली वाले हैं, बूथ का रास्ता ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? ऐसा तो नहीं कि अगर आपको रोके तो आप रुक जाओ? इनको अपना बूथ तो नहीं लूटने दोगे? इसलिए हराओ ऐसे भू माफिया को और धोखेबाज को, बताओ धोखा दिया कि नहीं दोगा? सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी यूं ही चला गया है।
और ये जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने सुना है कि कोई धोखेबाज जो समाजवादियों को धोखा दे करके अपने घर पर दो नंबर वाले नेता को बुलाया था, कौन से नंबर वाले नेता को? अरे भाई मैं नहीं बोल सकता, दो नंबर ही नेता। तो इसलिए रायबड़ी वालों और समाजवादियों, ये आपकी भी परीक्षा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो 5 लाख से ज्यादा वोट जिताने का काम करना, इसलिए जिताना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ता नेताओं का जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। वहीं हमारी पार्टी के जितने भी नेता बैठे हैं, विधायक, पदाधिकारी, सांसद और जो संगठन के लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जिस दिन वोट आप डालेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाल करके इतिहास बनाने का काम करना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी बहन प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, भूपेश बघेल जी, पंकज तिवारी जी, वीरेंद्र यादव जी, सुशील पासी जी, आरपी यादव जी, राहुल लोधी जी, सुधा द्विवेदी जी, मनीष सिंह जी, सुंदर भारती जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, अतुल सिंह जी, सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, इंडिया अलायंस के स्टेज पर वरिष्ठ नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बब्बर शेर एक जगह कभी नहीं देखे पहले। आमतौर से बब्बर शेर जंगल में अकेले घूमते हैं, एक साथ नहीं आते। यहां पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हो गए और कहना पड़ेगा भाइयों और बहनों, बब्बर शेरों, आप सबका स्वागत। और कहना पड़ेगा कि मीडिया के हमारे मित्रों, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। मगर भाई, ये जो मीडिया के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी के मित्र है, अंबानी के मित्र है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं, तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ,
और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो, दो दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं, दो मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं, जैसे जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है, 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। किसानों का अपमान किया, काले कानून लाए, मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा, हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ। इसीलिए 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया की सरकार आएगी, और वो सरकार आपकी सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों युवा ने, और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। भाई और बहनों लड़ाई इस किताब की है, ये जो है ना इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है, अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है, आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। भाइयों बहनों अब मजे की बात, मन की बात नहीं मजे की बात। 4 जून हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी।
अगर आप रायबरेली में रहते हो और आप गरीब हो, आपका नाम, आपके परिवार का नाम इस लिस्ट में जाएगा। ये लिस्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपया। हर महीने आप जगोगे, रायबरेली के लोग जगेंगे, किसान, मजदूर, मनरेगा करने वाले, आशा, आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, ये सब उठेंगे। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कटाक से अंदर जाएगा। एक बार नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा, टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक। भाई और बहनों, करोड़ों लाखपति बनाने हैं, करोड़ों लाखपति बनाने हैं रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, मैं आपको बता रहा हूं हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे, हर साल लाखों रुपए बैंक अकाउंट में। इसीलिए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, उन्होंने इसीलिए नरेंद्र मोदी टेंशन ले रहे हैं, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। भाई और बहनों, ये जो पैसा है उस दिन तक आएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। अगर ये गरीबी रेखा तो ये पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। आप सोचिए, लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए साल के। किसानों को नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून दिए, सारे के सारे किसान सड़क पे उतर आए। हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। रायबरेली के किसानों, अच्छी तरह सुन लो, 4 जून आपका कर्जा माफ होने जा रहा है और पहली बार कांग्रेस पार्टी रायबरेली के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को अपने अनाज के लिए, धान के लिए, आलू के लिए, शुगर केन के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। चिप्स के पैकेट के लिए सही दाम मिलता है, जो भी आप खरीदते हो उस पर लिखा होता है सही दाम लिखा होता है, मगर जब किसान अपना धान, शुगर केन, कपास बेचने जाता है उसे सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मनरेगा में, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, देश में करोड़ों लोग रोज मजदूरी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को रोकने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, आपको हम
₹400 मनरेगा के लिए देने जा रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को इसका कहना चाहता हूं, जितना भी आपको आज पैसा मिलता है उससे दुगना आपको इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। अब युवाओं की बात। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ कहा। सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, 15 अगस्त तक काम शुरू। दूसरी बात, अब बहुत सारे युवा कह रहे हैं, रायबरेली के युवा कह रहे हैं, राहुल जी इंडिया गठबंधन महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहा है तो हमारा क्या होगा। सही, यही मैं आपको बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं की लिस्ट बनेगी, ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, सबकी लिस्ट बनेगी। हम एक नई योजना ला रहे हैं, जैसे मनरेगा में अधिकार दिया था वैसे हिंदुस्तान के युवाओं को पहली नौकरी पक्की का अधिकार। दुनिया में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, युवाओं, आपको 1 साल की पहली नौकरी प्राइवेट सेक्टर, सबसे बेहतरीन कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर, सरकारी ऑफिसेस, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी अस्पतालों में 1 साल की पक्की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और हर महीने ₹8,500 ठगा ठग अंदर बैंक अकाउंट के अंदर, साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पहली नौकरी के बाद आपके लिए परमानेंट नौकरी के लिए रास्ता खुलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको इन योजनाओं के पीछे सोच बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने अपना पैसा लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा, उन्होंने अपना पैसा विदेश भेजा। हम आप भैया थोड़ा शांत हो जाए, बहुत बहुत ऊर्जा है, मगर 2 मिनट शांत हो जाए फिर जोर से चिल्लाना। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको पैसा दिया, इन्होंने अपना पैसा विदेश में खर्च किया। हम हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, आप इस पैसे को रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां जो माल बनाती हैं, जो आप खरीदोगे, वो फैक्ट्रियां सारी की सारी एक बार फिर चालू हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने उनको बंद किया, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन फैक्ट्रियों को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जेब में पैसा होगा और वही फैक्ट्रियां आपको रोजगार देंगी। देखिए कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन सोच। भाई और बहनों, आखिरी 2 चीजें कहना चाहता हूं। हम योजना लाए थे, सोनिया जी लाई थी भोजन के अधिकार की रोज योजना, मनरेगा के बाद हम भोजन का अधिकार की योजना लाए थे और हर गरीब व्यक्तियों को हमने भोजन देने का काम शुरू किया। उस काम को नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहते थे, मगर क्योंकि हम योजना लाए, उन्होंने उस योजना को चलाया। मगर अब मैं हिंदुस्तान के गरीबों से कह रहा हूं, आज आपको 5 किलो मिलता है,
हम आपको 10 किलो राशन और दाल देंगे, दाल और तेल राशन कार्ड होल्डर्स को देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, मेरा और मेरे परिवार का आपके साथ 100 साल पुराना रिश्ता है। आप मेरी स्पीचेस देख लो, मेरी स्पीचेस में जो भी मैं कहता हूं मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं बोलता हूं, मगर जो मेरे मुंह से निकलता है वो सच्चाई होती है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं वो करके दिखाता हूं, रुकता नहीं। भाइयों और बहनों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला आदमी हूं। 4000 किलोमीटर चला हूं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ईडी से मेरा इंटरोगेशन कराया, 55 घंटे ईडी ने इंटरोगेशन कराया, सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मैंने उनसे कहा ये जो घर है तुम्हारा इसको उठा के ले जाओ, मुझे ये घर नहीं चाहिए। रायबरेली के जनता में के दिलों में मेरा घर है, हिंदुस्तान की जनता के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, आपके दिल में घर है। भाइयों बहनों, मैं पीछे नहीं हटता हूं, और एक बात समझ लो, वो आप समझ गए हो, नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूं। अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। तो ये रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है, 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरी दादी इंदिरा गांधी यहां से लड़ी, उसके बाद मेरी माता जी सोनिया जी जो यहां आई वो आपकी एमपी रही, और उनका भी आपके साथ प्यार का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है, और उन्होंने भी आपके साथ सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अग्निवीर का बोलूंगा, आपका और मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, और मैं आपके लिए जो भी मैं आपसे कहूंगा वो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। बहुत विकास किया मगर बहुत काम बाकी है, और रायबरेली को पहले नंबर पर पहुंचाना है। ये शिक्षा का सेंटर है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, ये दुनिया का शिक्षा का सेंटर बनना चाहिए। अग्निवीर के 2 शब्द कह देता हूं युवाओं से, सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज करके नरेंद्र मोदी ने रोजगार छीना, नोटबंदी करके गलत जीएसटी लागू करके रोजगार छीना। मगर सबसे दुख की बात यह है कि अग्निवीर योजना लागू करके नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान किया है। 5 बजे उठकर हिंदुस्तान के देशभक्त, 3 बजे उठकर हिंदुस्तान के देशभक्त 10-15 किलोमीटर दौड़ते थे। नरेंद्र मोदी ने उन सब से कहा कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक गरीब घर का बेटा जिसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसे पेंशन नहीं मिलेगी,
जिसे कैंटीन नहीं मिलेगी उसे अग्निवीर कहा जाएगा, और दूसरा अमीर घर का बेटा जो अग्निवीर नहीं होगा, जिसको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। यह नरेंद्र मोदी की योजना है, यह देशभक्ति की योजना नहीं है, यह देश को कमजोर करने की योजना है, और इसीलिए इस योजना को 4 जून जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इस योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे हमेशा के लिए। कूड़ेदान में अग्निवीर योजना को डाल के फेंक देंगे। शहीद होंगे तो एक तरीके के शहीद होंगे, जवान होगा तो पेंशन मिलेगा, जवान होगा तो कैंटीन मिलेगी, जवान होगा तो परिवार की रक्षा होगी। हम ऐसे जवान नहीं चाहते जिनकी रक्षा नहीं होगी, जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सबके दिल में देशभक्ति की भावना है, उस भावना की रक्षा करना है। अग्निवीर योजना उस भावना का अपमान करता है, हम इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। मैं आप सबका, देखिए इतना जोश है आप में, इतना जोश है, मैंने आज तक इस कैंपेन में किसी मीटिंग में नहीं देखा। अगर आप थोड़ी और जोर से चिल्लाओगे ये छत उड़ जाएगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं बहुत आभारी हूं। सोनिया जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, आप यहां आए, आपने मेरा समर्थन किया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी जो बहन है, जो दिल से प्रियंका का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल, अखिलेश यादव जी, केसी पीनू गोपाल जी, प्रियंका, भूपेश बघेल जी, अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, मंच पर सभी उपस्थित नेतागण, आप कार्यकर्तागण, रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा, उनके मन में आपके प्रति
असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़े और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बार मेरा आग्रह है, सब लोग बैठ जाएंगे। हम